हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जितने भी बच्चों ने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है वो सभी एडमिट कार्ड को लेके। मैं आपको लेटेस्ट और ऑफिशियली अपडेट बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये फॉर्म था ये 6 फरवरी से 16 फरवरी 2023 के बीच में भरे गए थे। और जितने भी बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है, 2 पोस्ट थी इसमें GD और DV की। इस बार सिर्फ 2 ही पोस्टों पर भर्तियाँ रखी थी। अब बात करें इसके एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है कि आपको इसका एडमिट कार्ड कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं ऑफिशियली आपको डेट बताने वाला हूँ कि कब तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और ऑफिशियली आपका एडमिट कार्ड आपको कब तक इशू कर दिया जाएगा। तो चैनल को जल्दी से कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। चलो मैं आपको ऑफिशियली उस पेज पे ले चलता हूँ जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑफिशियली आपका जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टेबल शेड्यूल इनकी तरफ से एग्जामिनेशन का जारी किया गया है ई एडमिट कार्ड के लिए। वहीं बात करें जो स्टेज आपका फर्स्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड CBD एग्ज़ाम होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से नाविक GD और DV ब्रांच के लिए, तो वो आपका एंड मार्च 2023 बताया गया है इनकी तरफ से, जो कि कन्फर्मली बता देते हैं। तो आपका जो मैं डेट बता देता हूँ कन्फर्मली कि आपको कब तक आ जाएगा, तो आपको जो एग्ज़ाम आपका सेंटर पड़ा होगा उससे 2 या 3 दिन पहले आपके जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आपको निकालने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात करें एग्जामिनेशन सेंटर आपको 10 दिन पहले पता चल जाएगा। तो ये कन्फर्म है कि मार्च 26 तक आपके एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल साइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए तो कर देना सब्सक्राइब।